बार ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। शहर दक्षिणी में दूषित पेयजल और सीवर की समस्या से खफा, करीब 20 पार्षदों ने नगर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान नगर आयुक्त अपने कार्यालय में नहीं थे, उनकी जगह पर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय और अपर नगर आयुक्त सविता यादव ने उनकी समस्याओं को सुना। वाराणसी जोन के एडीजीपी पीयूष मोरडिया ने 7 साल के कैंसर पीड़ित बालक का सपना पूरा किया। कैंसर पीड़ित 7 साल के प्रभात कुमार रंजन की इच्छा पर उसे एक दिन का एडीजी जोन बनाया गया। मंगलवार को प्रभात ने सशस्त्र बल के साथ एडीजी का चार्ज लिया। पूरी प्रक्रिया के बीच ऑफिस में पुलिस कर्मियों और गार्ड ने सलामी दी। एक दिन के एडीजी ने कार्यालय और परेड का निरीक्षण किया। संस्था के सदस्यों ने कैंसर हॉस्पिटल में प्रभात से मुलाकात की तो उसने आईपीएस बनने की इच्छा जाहिर की थी। इसकी जानकारी होने पर एडीजी जोन पीयूष मोरडिया ने बिहार के सुपौर जिले के तेकुना प्रतापगंज निवासी रंजीत कुमार दास के पुत्र प्रभात ब्रेन कैंसर से पीड़ित है, लहरतारा स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेक ए विश नामक संस्था की ओर से गंभीर रूप से पीड़ित बच्चों की इच्छाओं को पूरा कराया जाता है। मंगलवार को बच्चे को और उसके पिता रंजीत और मां संजू के साथ बुलाया, साथ में एनजीओ के लोग भी रहे। बताया कि बच्चे की इच्छा थी कि वह बड़ा होकर आईपीएस अफसर बनेगा, इसलिए उसकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। आपको बता दें कि बच्चा कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। वाराणसी में नीता अंबानी ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ को दिया बेटे अनंत व राधिका की शादी का न्योता और मांगे आशीर्वाद। आराम से।